So we will start with the continue with the yesterday's lecture. Yesterday we were discussing the non-Euclidean geometry. आपको उसमें मैंने बताया था कि if we are having a very big sphere, जैसे आपका बुक में गिवन है, अगर मुझे एक बहुत बड़ा स्फीयर गिवन है तो इसके किसी एक पार्ट को आई कैन ट्रीट एज अ स्ट्रेट लाइन. इसका ये वाला अगर मैं इतना पोर्शन लेती हूँ तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसमें मैं यहाँ पे कोई पार्ट ले लेती हूँ इसका, और इन पार्ट्स से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करती हूँ, लेट अस सपोज कि यहाँ से मैंने ये, जैसे आपकी बुक में गिवन है, म्यूट कर लो बच्चे अपने आप को. सो यहाँ से अगर मैंने ये ए और बी दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए एन पे, तो अब इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो ए एन और बी एन जो है वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर्स हैं. अब ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं और अगर मैं इसको लेके चलूं तो इसका मतलब क्या है कि अब ये दो एंगल्स का जो आपका सम है वो 90 डिग्री बन रहा है, और जब मैं हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये इस एन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. जबकि जो यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट था वो क्या कह रहा था कि अगर दो लाइंस हमें गिवन है और उनमें अगर हम इस तरीके से एक ट्रांसवर्सल जो है वो ड्रॉ करते हैं और इनका सम अगर इक्वल टू 180 है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. लेकिन यहाँ पे ये दोनों का सम 180 है, बट इनको जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहे हैं एन पे, तो ये दोनों जो है वो एन पॉइंट पे मीट कर रही हैं. इट मींस यहाँ पे जो है वो यूक्लिड का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है आपका वो रॉन्ग प्रूव हो रहा है. तो दिस इज द नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री या स्फेरिकल ज्योमेट्री है. तो स्फेरिकल ज्योमेट्री में जो यूक्लिड के पॉस्टुलेट्स थे वो यहाँ पे जो है इसको वेरीफाई नहीं करते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो यूक्लिड की ज्योमेट्री है, यूक्लिड के जो पॉस्टुलेट हैं, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द प्लेन सरफेस. अगर स्फेरिकल सरफेसेस आ जाती हैं तो यहाँ पे जो है इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं वो वेरीफाई नहीं होते. एज यू हैव सीन इन दिस इन योर बुक, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 87. पेज नंबर 87 पे यू आर गिवन दिस फिगर. यहाँ ये स्फीयर से लेके आपको एक एग्जाम्पल जो है वो डिनोट किया गया है और नीचे इस पैराग्राफ में ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है. तो यू आर टू रीड दिस पैराग्राफ, ये आपने रीड करना है फॉर योर वन मार्क क्वेश्चंस. अब हम अगर चलें तो एग्जाम्पल थ्री आप देखेंगे. एग्जाम्पल थ्री में आपको गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर. एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है जो हर पॉइंट पे एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है. इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट? एक्सप्लेन कि क्या वो ये जो कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे वो इक्विडिस्टेंट है दोनों स्ट्रेट लाइंस जो हैं, क्या ये फिफ्थ पॉस्टुलेट का डायरेक्ट रिजल्ट है या नहीं, हमने इसको एक्सप्लेन करना है. तो प्ले फेयर एग्जाम जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे. अगेन उसमें हमने क्या किया था, प्ले फेयर एग्जाम में हमने एक लाइन एल ले ली थी और उसके ऊपर मतलब ऊपर यानी कि लाइन से लाइन के अलावा कहीं पे एक पॉइंट हमने पी ले लिया था. तो प्ले फेयर एग्जाम क्या कहती थी कि इस पी से पी पॉइंट से जितनी भी लाइन्स पास करती हैं उनमें एक यूनिक लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी. तो अगर हम प्ले फेयर एग्जाम से देखें तो वो फिफ्थ पॉस्टुलेट के इक्वेलेंट आता है. इट मींस कि देयर इज अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी विच इज पैरेलल टू एल, और ये एल के पैरेलल है. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन से जो अगर हम एक पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं तो इसकी जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन. और अब अगर हम यहाँ से लेके चले, आपको पता है जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट के लिए एल और एम इन दोनों लाइन्स के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम. अब क्योंकि ये डिस्टेंस जो है हर लाइन हर पॉइंट के लिए सेम है
So it means these two lines are equidistant at each and every point. तो इसको हमने शो किया प्लेफेयर एग्जाम से. प्लेफेयर एग्जाम के अकॉर्डिंगली अगर एक लाइन L मुझे गिवन है और L के जो है ऑन ईदर साइड ऑफ L अगर मुझे एक पॉइंट P गिवन है, यानी कि कंडीशन क्या है कि दिस पॉइंट P जो है दैट शुड नॉट लाई ऑन L. तो अब इस P पॉइंट से जितनी भी लाइंस जो है वो पास करती हैं, तो ये लाइंस जो हैं इनमें से सिर्फ एक यूनिक लाइन ऐसी होती है, एक सिंगल लाइन ऐसी होती है विच विल बी पैरेलल टू एल. अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वी नो दैट जब भी हमें दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस लेना होता है, वी यूज टू टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, तो दैट इज दिस. तो किसी भी पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे इनका डिस्टेंस लेती हूँ तो दैट डिस्टेंस विल बी सेम. So it means at every, each and every point, the distance between L and M jo hai, that will be same. It means these two lines are equidistant from one another at every point. So yehi hume isme yahan pe check karna tha, isko explain karna tha. Ab next page pe aaiye. Next page mein hume jo hai exercise 5.2 given hai. How would you rewrite Euclid's fifth postulate? Aap Euclid ke फिफ्थ पॉस्टुलेट को किस तरीके से लिखोगे सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, ताकि ये हमारे लिए जो है समझना ईजी हो जाए. तो इसको जो है एक्सप्लेन करना है, हमने इसको रीराइट करना है अपनी लैंग्वेज में. एनी वन ऑफ यू विल यू ट्राई यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट? यहाँ पे ये दो लाइंस ले ली मैंने L और M, और इधर मान लो मैंने ये ट्रांसवर्सल ले ली, एंड दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स जिनको हमने चेक करना होता है. लेट दिस बी एंगल वन, दिस बी एंगल टू, ये L है, ये M है, ये मैंने N ले लिया. अब यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट, ओके आई कैन सी टू हैंड्स रेज्ड. यस दिया, यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट सेज दैट द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल interior angles on the same side of transversal, if their sum is less than 180, then they would intersect at some point after extending the lines. But if, on which the sum, side we are to extend? The on which the sum of co-interior angles is less than 180. Yes, which on the side on which the sum is less than 180. If we extend the lines, अब जैसे मैंने यहाँ अगर ये lines extend कर दी दोनों, तो these lines will meet at some point. तो ये आप figure इस तरीके से शो करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे कि if line n जो है that intersects these two lines L and M, that such that angle 1 plus angle 2 is less than 180 degree, then the lines L and M will intersect at O. कि अगर ये less than 180 होगा, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे इस साइड पे 180 less than शो किया है, तो ये इसी साइड पे मैंने इनको यहाँ पे मीट करके दिखाना है. सो यू विल राइट डाउन फॉर दिस. इफ अ ट्रांसवर्सल पी एन इंटरसेक्ट two lines L and M such that angle 1 plus angle 2 is less than equal to 180 degree, then L and M will intersect. आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो. तो मैंने ये लिख दिया. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर एंगल वन और एंगल टू का सम 180 से लेस होगा, तो जो लाइंस हैं एल और एम वो पॉइंट ओ पे मिलेंगी. मैंने पॉइंट ओ दिखा दिया है यहाँ पे कि जिस साइड पे ये सम लेस देन 180 है, ये वहीं पे जाके मिलेंगी. तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हो. तो आई हैव रिटन इट इन दिस वे, सो यू कैन नोट इट डाउन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन टू आफ्टर दिस. I hope you would have noted it down.
Now moving on to question number two. Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. फिफ्थ पॉस्टुलेट जो है यूक्लिड का वो क्या कहता है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स उसको हमने ये रीराइट कर लिया. अब सेकेंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा कि क्या जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है यूक्लिड का वो एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस को इम्प्लाई कर रहा है एक्सप्लेन करना है. तो यू कैन सी दिस क्लियरली कि फिफ्थ पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंगली लाइंस विल मीट ओनली इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ दीज को इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 और ग्रेटर देन 180. इफ इट इज इक्वल टू 180 देन लाइंस विल नेवर मीट. इफ द लाइंस विल नेवर मीट मींस दे आर योर पैरेलल लाइंस. सो यू कैन राइट डाउन इन दिस. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका सेकेंड आंसर. यस fifth postulate implies the existence या is important to express parallel lines. किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो implies the existence of parallel lines. अब ये फिफ्थ जो है पैरेलल लाइंस की जो है इंपॉर्टेंस किस तरीके से कर रहा है दैट टू लाइंस ये जो दो लाइंस हम लेके चलेंगे दे विल नेवर मीट और दे आर पैरेलल इफ दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट. अगर वो यूक्लिड के फिफ्थ पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे तो दे विल नेवर मीट. तो टू लाइंस विल नेवर मीट or are parallel if they are not according to Euclid's fifth postulate. So again देखो अब ये question आपको अगर Euclid का fifth postulate learn नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू राइट डाउन इट्स आंसर. क्योंकि यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट अगर आपको पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. अगर आपको यूक्लिड का फिफ्थ पॉस्टुलेट ही नहीं पता कि उसमें हम क्या कह रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप जो है वो नहीं कर पाओगे. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपको ये सब पता हो कि कौन सा एक्सियम क्या है या कौन सा पॉस्टुलेट क्या है. सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 5.2. With this, your chapter number 5 is over. Now we will move to chapter number 7, triangles. अब हमने chapter 7 करना है triangles. ये note down कर लो, उसके बाद मैं chapter 7 आपका start करवा रही हूँ. Chapter 7 में आपको triangles पता है. हमें जो है इसमें congruent figures, I hope आपने किया हुआ है पहले. तो हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पता होनी चाहिए. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, देन कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स कौन से होते हैं वो पता होने चाहिए. तो ये सारा जो है हम इसमें आज करेंगे. सो आई होप यू वुड हैव नोटेड इट डाउन. ओके फाइन. थैंक यू अर्शप्रीत. थैंक्स दिया फॉर इन्फॉर्मिंग दैट यू हैड डन. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स. दिस इज योर पेज नंबर 109. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अगेन आई विल सेंड यू. येस्टरडे आई हैव सेंड यू द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. तो यू आर टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट ऑल्सो. जब जहां टाइम मिलता है बच्चे चाहे दो दो करके करो चाहे तीन तीन करके करो आप क्वेश्चंस अपने करते जाना तभी आपका इस सब्जेक्ट पे होल्ड होगा. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इस सब्जेक्ट पे होल्ड होगा. दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 नाउ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स का आपको मीनिंग पता है. ट्राई थ्री एंगल्स की उसमें आपके थ्री एंगल्स होंगे.
थ्री साइडेड फिगर है जिसमें थ्री साइड्स हैं, थ्री एंगल्स हैं, तो दैट इज अ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी आपने वर्ड सुना हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? क्या होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? एनी वन ऑफ यू? ओके, एवरी टाइम आई कैन सी जस्ट दैट टू और थ्री हैंड्स ओनली, वही बच्चे होते हैं। ओके अर्चिता, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? मैम टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। वेरी गुड, इफ द टू फिगर्स आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। कि अगर आपके पास दो फिगर्स हैं जिनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो यू विल से दैट द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। या फिर अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो दे विल बी इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जो शेप है, जो साइज है, अगर कोई एंगल वगैरह उसमें बन रहा है या कोई रेडियस उसमें आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन जो टाइप ऑफ फिगर आपने ली है उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि उसमें जितने भी आप लेके चलते हो डायमेंशंस या समथिंग एल्स, जैसे सर्कल में रेडियस लेके चलोगे तो दे विल बी इक्वल। यानी कि अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रख दूं तो जो नीचे वाला है वो पूरा का पूरा कवर्ड हो जाएगा पहले वाले से। सो आफ्टर दैट वी आर हैविंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स? ट्राइंगल्स के केस में हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल्स हमारी जो है वो कब कॉन्ग्रुएंट है? ईवा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। ओके you said their corresponding sides and angles are equal. Now I have made in these two figures the angles to be equal. मान लो ये मैंने अगर लिया 65 degree, this is 55 degree, this is 60 degree, तो same angles मैंने यहाँ ले लिए। Are these congruent? क्या ये congruent हैं? Yes, Arshpreet? Diya? And their sides should be of the equal measure too. Both the conditions should simultaneously be true? No, ma'am. आपने कहा कि उनकी sides भी equal होनी चाहिए, तो चलो equal sides मैंने बना दी यहाँ पे। Let this be 3 centimeter, this be 4, 5 centimeter, and this be 6 centimeter. अब अगर मैं यहाँ पे बच्चे एंगल्स ना मेंशन करूं, विल दीस बी कॉन्ग्रुएंट? यस मैम। यस और नो? यस यस। ओके, इज देयर एनीवन हु सेज नो? ओके, अगर मैं एंगल्स नहीं कंसीडर करती तो कौन से रूल से, कौन से क्राइटेरिया से यू विल से that the triangles are congruent? CPCT. When that the sides are equal. When all the sides are equal. कौन सा criteria होता है ये? I'm triple S. Triple S. Side equal. Second side equal. Third side equal. So if all the sides are equal, तो आप SSS criteria से कहते हो that the triangles are congruent. तो अगर हम सिर्फ इसमें लेके चलें कि हमें साइड्स नहीं गिवन हैं, ओनली द एंगल्स आर गिवन, जैसे मैंने यहाँ भी एंगल्स ये लिखे थे, देन यू कैन नॉट से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले फिगर बनाई थी कि अगर मैं एक ये फिगर बना देती हूँ पी क्यू आर, और इसमें भी एंगल्स सेम डायमेंशन के, सेम मेजर के लेके चलती हूँ मैं, तो ये दोनों तीनों ट्राइंगल्स जो हैं, इनमें मतलब जो आपका पी क्यू आर है दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी,
PQR is not congruent to DEF. So only on the basis of angles, you cannot say that the triangles are congruent. क्योंकि angles के basis पे अगर इसकी sides जो हैं बड़ी हैं, इसकी sides छोटी हैं, but angles इनके same हो सकते हैं. तो congruency के लिए आपको sides को जो है वो लेके चलना है. चाहे आप एक side ले रहे हो, चाहे दो ले रहे हो, चाहे तीनों की तीनों ले रहे हो. At least one side जो है वो आपने कंसिडर करनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स वी कैन नॉट से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नो डाउट कि अगर अब मैं डीईएफ को पी क्यू आर पे रखूंगी तो पी क्यू आर पूरा पूरा कवर हो जाएगा, बट दैट इज नॉट सुपर इम्पोजिंग. क्यों? क्योंकि पी क्यू आर छोटा है. पी क्यू आर को अगर मैं वापिस डीईएफ पे रखूंगी तो मेरे को जो पी क्यू आर है वो इस तरीके से दिखेगा. इट इज नॉट कवरिंग डीईएफ. कॉन्ग्रुएंसी कब होगी? जब दोनों में से किसी एक को उठा के या दोनों के दोनों को उठा के अगर मैं एक दूसरे पे रखूं तो वो एक दूसरे को कवर करेंगे. DEF को अगर मैं उठा के PQR पे रखूं, DEF इसको कवर करेगा, बट अगर मैं PQR को यहाँ पे रखती हूँ तो DEF का जो ये वाला पोर्शन है दिस इज स्टिल विजिबल. तो दीज ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है. Only on the basis of angles we cannot say that the triangles are congruent. उसके लिए हमें side को consider करना पड़ेगा. I hope this one is clear. कि only on the basis of angles you cannot say that the triangles are congruent. So next we are having in this is congruent squares. Same way में अब square देखो, मुझे पता है कि इनके ये वाले angles 90 degree होते हैं और all the sides are equal. तो एंगल्स को अब यहाँ पे अगेन मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स, सो सिंपली आई विल से इफ दे हैव द सेम साइड्स. अगेन किसकी बात हो रही है यहाँ पे? साइड्स की. दो स्क्वायर्स मेरे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर उनकी साइड्स जो है वो इक्वल होंगे. इसी तरीके से सर्कल्स, दो सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? You can answer now. मैम जब उनका radius equal होएगा. Yes, when their radii are equal. Radius equal हैं तो circles congruent हैं. Sides equal हैं तो squares congruent हैं. Triangle के case में you will say triangles are congruent if and only if one of them can be made to superimpose on the other so as to cover each other exactly. तो अगर angles जो हैं वो सिर्फ इक्वल गिवन है, ये इसको कवर नहीं करेगा, तो यू आर टू कंसिडर साइड ऑल्सो इन दिस केस. नेक्स्ट जो है हमने करना है रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. हम करेंगे रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. अब क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है वो इसका है ट्राइंगल्स का ही है, तो हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की ही बात करेंगे यहाँ पे. अब इसमें हमने लेके चलना है कि सीपीसीटी, एक अभी एक बच्चे ने बात की थी, व्हाट डू यू मीन बाय सीपीसीटी? Corresponding parts of congruent triangles. These are the corresponding parts of congruent triangles. आपको पता है congruent triangles क्या imply करता है? That the corresponding parts of the congruent triangles are equal. तो ये हम जब prove करेंगे तो CPCT हम short में ही use करेंगे. Previous class में भी आपने use किया हुआ है. आपने previous class में जो है वो कुछ criterias जो है वो किए थे. Let us discuss the criterias की जो congruency के rules हैं वो क्या क्या हैं. अब यहाँ first जो हम rule लेके चलते हैं that is SAS. अब ये rule बहुत कुछ कहता है, ये ध्यान रखना है. यहाँ पे दो चीजों का आपने ध्यान रखना है जब आप congruency की बात करोगे. अगर मैंने एक triangle लिया है ABC और मैं कहती हूँ कि this is congruent to triangle PQR, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यू नो दिस. अब अगर यहाँ मैंने कहा ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, मुझे कोई डायमेंशन नहीं गिवन, कोई एंगल नहीं गिवन, मैंने यहाँ क्राइटेरिया लगाया एस ए एस से मैंने कह दिया कि दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सी साइड किसके इक्वल है और कौन सा एंगल किसके इक्वल है? ए बी सी ट्राइंगल की कौन सी साइड PQR के इक्वल है, कौन सा एंगल PQR के इक्वल है, हाउ विल आई कम टू नो
फ्रॉम दीज टू. मुझे सिर्फ ये दो चीजें गिवन है. अब मुझे क्या पता कि ए बी सी का कौन सी साइड पी क्यू आर के कौन से साइड के इक्वल है. हाउ विल यू राइट इट डाउन? मैम ए बी इज इक्वल टू पी क्यू. मैम सेम क्यू ए बी इक्वल मैम जो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. Very good. BC is equal to QR. QR equal to QR. BC. QR equals to BC. BC is equal to QR. Okay. Now let's draw the figures for these. ये मैंने बना दी triangle ABC. ये मैंने बना दी triangle PQR. Now we are saying that AB जो है that is equal to PQ. Then we are saying that angle V is equal to angle Q, and then we are saying that angle P, BC जो है that is equal to QR. अब ये information देखो आपने कहाँ से ली. आपने SAS से ली. और दूसरी चीज आपको ये पता है कि जब हम इन triangle की naming देते हैं, जहां हम इन triangles को names देते हैं, तो A, B, C, P, Q, R. जब मैं इनकी बात कर रही हूँ, इसकी फर्स्ट टू जो ये लेटर्स हैं, ये इसके फर्स्ट टू लेटर्स वाली साइड के इक्वल होंगे. यानी कि साइड ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगी. साइड बी सी जो है दैट विल बी इक्वल टू क्यू आर. और सेम वे में आपका जो ये ए सी है दिस विल बी इक्वल टू पी आर. तो ये साइड हो गई. अगर हम एंगल्स की बात करें, एंगल्स के केस में ए पी के इक्वल, फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी. लवलीना म्यूट योरसेल्फ बच्चे. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. तो इस चीज का ध्यान रखना है. जब कभी आप थ्योरम्स भी करोगे उसमें भी आपने ये जो सीक्वेंस होगा वो सेम रखना होगा. सेकेंड वाले ट्राइंगल के लिए भी जो साइड ले रहे हो, जो एंगल ले रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंग उसके लेनी है. तभी आपका वो आगे जब आप सीपीसीटी यूज करोगे तो वो वैलिड होगा. ठीक है. यहाँ अगर आप उल्टा कर देते हो, सपोज मैंने पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कह रही हूँ, बी जो है वो आर के इक्वल है. अब अगर मैं कह रही हूँ कि एंगल बी जो है वो आर के इक्वल है, तो ये एंगल आपका इंक्लूडेड नहीं बन रहा जब हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज कर रहे हैं. एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या है कि जो दो साइड्स की आप बात कर रहे हो कि वो इक्वल हैं, एंगल उनके बीच में होना चाहिए. दिस शुड बी द इंक्लूडेड एंगल. दोनों के बीच में बन रहा होना चाहिए. और अगर मैंने यहाँ कहा कि बी आर के इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ अगर ध्यान नहीं दिया, उल्टा लिख दिया, तो अब इसके अकॉर्डिंगली मेरी साइड्स तो दोनों ये बन रही हैं, बट दिस एंगल इज नॉट इंक्लूडेड. ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा. तो ये ध्यान रखना है जब आप एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल की बात कर रहे हो, तो जो दो साइड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन दो साइड्स को आप ऐसे हाईलाइट कर लो. उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, यानी कि उन दो साइड्स से जो एंगल बन रहा होगा, वो ए ये वाला है, हम इसकी बात कर रहे हैं. तो एस ए एस का मतलब क्या है आपका, कि जो ये वाला एंगल है, दिस शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू साइड्स. सो दिस वन इज आई होप क्लियर. तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कह रहा है कि कोई दो साइड्स अगर हम कहते हैं कि ट्राइंगल्स की इक्वल हैं, तो उनका जो इंक्लूडेड एंगल है अगर वो भी इक्वल है, देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पे पी क्यू आर आप लेके चलो. सो आई होप एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल इज क्लियर टू यू. एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंगली साइड एंगल साइड ए बीच में है, तो इट मीन्स दिस इज द इंक्लूडेड एंगल. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड रूल की, दैट इज ए एस ए. अब सेम वे में ऐसे ही है ये. ए एस ए में देखो, साइड्स में ए है और सेंटर में एस है. तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि साइड जो है दैट विल बी इंक्लूडेड. ठीक है, दोनों एंगल्स के बीच में साइड इंक्लूडेड हो गई. तो अगर अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्राइंगल ए बी सी, सेकेंड ट्राइंगल डी ई एफ,
और मैं साइड ए बी और सॉरी साइड बी सी को मैं कहती हूँ दैट दिस इज इक्वल टू ई एफ, तो ये साइड मुझे इंक्लूडेड बनानी है, ये साइड इंक्लूडेड बनाने के लिए एंगल ये और ये लेने पड़ेंगे, यानी कि जो साइड है उसके एंड पॉइंट्स पे एंगल्स बनने चाहिए। सेम वे में अगर ये साइड है, एक एंड पॉइंट इसका ये है, एक एंड पॉइंट इसका ये है, तो इन दोनों एंड पॉइंट्स पे आपके क्या बनने चाहिए, एंगल्स बनने चाहिए। तो एंगल्स और एंगल्स जिस साइड पे बन रहे हैं इंक्लूडेड वर्ड का ध्यान रखते हैं। सो दिस इज योर ए एस ए रूल। नेक्स्ट इज ए ए एस। अब यहां फिर से ध्यान दो, ए ए एस का मतलब दो एंगल्स इक्वल होंगे, एक साइड जो है वो इक्वल होगी। अभी आपको जो मैंने समझाया था अकॉर्डिंग टू दैट हम ए ए ए क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं लेते, एटलीस्ट वन साइड शुड बी देयर। तो ये दो एंगल्स के साथ हमने एक साइड ले ली। अब यहाँ पे देखो जो भी हम साइड ले रहे हैं तो इसमें अगर तो साइड के एंड पॉइंट्स वाले एंगल्स दोनों नहीं हैं, मान लो मैंने अब सेकंड वाला एंगल ये ले लिया, अब क्यों, क्योंकि ये जो आपकी साइड बीसी है ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आप एएसए क्राइटेरिया नहीं लगा सकते कॉन्ग्रुएंसी के लिए। एएसए क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि जो साइड है दैट शुड बी इंक्लूडेड। बट यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे अगर ये साइड ये वाली है, ए और बी के एंड पॉइंट्स पे आपके एंगल्स इक्वल हैं और बीसी और ईएफ मुझे इक्वल गिवन है, ठीक है, बीसी और ईएफ अगर मुझे इक्वल गिवन है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे एएसए क्राइटेरिया नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ए बी और डी ई इक्वल नहीं गिवन है, इन एंगल्स के बीच में साइड कौन सी है, ए बी और डी ई, बट ये साइड्स मुझे इक्वल नहीं गिवन, तो आई कैन नॉट यूज एएसए। तो यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया यूज करेंगे दैट इज ए ए एस, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड साइड। तो एंगल्स जहां पे मर्जी हो, साइड उनके बीच में नहीं होगी, तो दिस इज ए ए एस। यहाँ एस ए ए कोई रूल नहीं है, ये ध्यान रखना, ए ए एस क्राइटेरिया ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा। एंड देन एस 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 आपको पता है तीनों की तीनों साइड्स लेके चलनी है हमने, तो तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो वी विल से दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब एक नया यहाँ पे आपका आता है, दैट इज द आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आर एच एस, दिस इज द राइट एंगल, राइट एंगल आ गया तो यहाँ से आपको पता लग गया कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन द राइट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कंटेनिंग द राइट एंगल। यस लवलीना, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर डाउट। I'm kindly explain the AAS rule. Just a moment. चलिए RHS we will discuss on Monday. I'm just explaining this AAS again. इससे पहले हमने किया था ASA, जिसमें हमने क्या किया था, साइड शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, कि अगर ये दो एंगल्स हैं तो इनके बीच वाली साइड ये इंक्लूडेड होनी चाहिए, तब हम यूज करते हैं ASA। बट मुझे जो अगर सपोज conditions गिवन है उनके अकॉर्डिंगली उसने मुझे कहा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, लेकिन जो इनकी इंक्लूडेड साइड्स हैं इनके बारे में मुझे कुछ नहीं गिवन, और उसने मुझे क्या कहा, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब अगर मैं देखूं तो बी सी और ई एफ जो है मेरे ये इंक्लूडेड साइड्स नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एंगल्स हैं वो ये दो गिवन और इन दोनों एंगल्स से ये साइड बाहर आ रही है, ठीक है, तो आप ए एस ए क्राइटेरिया यूज नहीं करोगे उस केस में, क्योंकि वो साइड इंक्लूडेड नहीं है, आप इनकी पोजीशंस चेंज कर दोगे तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा बन जाएगा, ए ए एस, दिस विल बी योर ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ए एस ए एंड ए ए एस बोथ आर टू डिफरेंट क्राइटेरिया और इनको आप ध्यान से यूज करोगे। अगर साइड इंक्लूडेड है तो दैट विल बी ए एस ए, अगर साइड इंक्लूडेड नहीं है, बाहर आ रही है दोनों एंगल्स से, देन यू विल राइट डाउन दिस एज ए ए एस। सो दिस वाज योर सम कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी विल डिस्कस ऑन मंडे एज द बेल इज अबाउट टू गो। सो इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम जस्ट एंडिंग द मीटिंग।
10th standard students, those who have joined, you are to rejoin. So thank you. Have a nice day.